अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है। अब ये जो पेपर है ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है मेरे पास, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज भेजे और उनके जो ऑप्शंस भेजे तो उनको कंपाइल किया गया है और कोशिश करूंगा कि क्योंकि अभी तक करेक्ट जो ऑप्शंस हैं वो तो नहीं है मेरे पास, कोशिश करूंगा कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन्हीं को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाए। चलते हैं पेपर की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफ्लेशनरी गैप कैन बी फिल्ड थ्रू, यानी कि अगर डिफ्लेशनरी गैप है इकोनॉमी में तो उसको कैसे फिल किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो सकता है, अब पॉसिबल ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर इसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो है इंजेक्शन। यानी कि जब आपके पास डिफ्लेशनरी गैप होगा तो इंजेक्शंस के जरिए उसको आप उस गैप को फिल कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर सकते हैं, टैक्सेस को डिक्रीज कर सकते हैं, यानी लीकेजेस को। सेकंड है जनरल नॉलेज का है, जनरल नॉलेज का मैं अलग से लिंक आपको भेज दूंगा तो उसमें से आप इसको जनरल नॉलेज को देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 एंड टोटल ऑब्जर्वेशन आर 20 देन सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशन इज, तो ये जो है इस प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो ये है कि जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वेयर ओवर एन। अब इसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिया हुआ है और ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, ये जो ऊपर वाली समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर और एन हमारे पास क्या है 20। तो देना क्या चाहिए था, इसे वेरिएंस लिखना चाहिए था, ठीक है। अगर ये वेरिएंस होता ना तो फिर ये जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाता, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये क्या हो जाता 60 हो जाता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन और जो आंसर है वो क्या है वो 60 है। अगर इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है वैसे कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसका भी स्क्वायर रूट लें, इसका भी स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर निकाला जा सकता है। अब मुझे नहीं पता कि वो ऑप्शंस दिया हुआ था या नहीं, तो उस तरीके से क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 20 ये आ जाएगा 180। अगर 180 दिया हुआ था तो इट मींस 180 ठीक होगा फिर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन कम इन 1960, बड़ा फेमस एमसीक्यूज है। स्टेट बैंक वाज फॉर्म्ड इन 1 जुलाई 1948। फर्म ऑलवेज इक्विलिब्रियम, फर्म हमेशा कभी इक्विलिब्रियम में होती है जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो गैप है वो ज्यादा से ज्यादा हो और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में इक्वल हो। कंप्लीटली क्राउडिंग आउट इन विच स्लोप ऑफ LM, जब स्लोप ऑफ LM हमारा इनलास्टिक होगा या वर्टिकल होगा तो उस वक्त क्या होगा जी, उस वक्त टोटल क्राउडिंग आउट होगा। देखें ये मेरे पास LM है वर्टिकल और ये IS, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आउटपुट। अब मैंने क्या किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई, इसकी वजह से IS का ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता तो आउटपुट नहीं यहाँ तक जाना, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चला गया, तो यो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हुई और जो आउटपुट का जो लेवल है वो पहले वाले आउटपुट पर ही आ गया, ठीक है। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता तो यहां तक जानी थी इन्वेस्टमेंट, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट
इंक्रीज होने की वजह से जो रिस्पांस आया, इन्वेस्टमेंट कम हुई, आउटपुट कम हुई, तो ये जो सारा एरिया है, ये सारे का सारा क्या है, क्राउडिंग आउट है। तो जब एलएम हमारा वर्टिकल होगा या नियर टू स्टीपर होगा, इनलास्टिक होगा, तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो टोटल फेल होती है हमारी। हॉटेस्ट इशू इन दीज डेज इन इकोनॉमीज, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। फाइव रोस्टो स्टेजेस ऑफ रोस्टो, फाइव स्टेजेस इन ट्रेडिशनल सोसाइटी है। प्रीकंडीशन ऑफ टेक ऑफ है ड्राइव टू मेच्योरिटी, हाई मैस कंजम्पशन। ड्राइव टू मेच्योरिटी एट विच नंबर, यानी कि वो किस नंबर पर आती है ड्राइव टू मेच्योरिटी, वो फोर नंबर पर आती है और टेक ऑफ के बाद आती है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ नॉमिनल एंड न्यूमेरिकल डाटा। मैं अपने अपना जो मेरे लेक्चर्स थे, जो मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ाई आपको, थर्ड चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मैं आपको बारह बता चुका हूँ कि ये 2015 में भी एमसीक्यूज आया था, जो 2015 का जो पेपर था, कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है नॉन न्यूमेरिकल या नॉमिनल रेशो दी होती है, तो उसके लिए जो जो बेस्ट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने का क्वालिटेटिव डाटा के लिए, वो मॉड होता है। ये कुछ, ये जो आपको रोज खाली नजर आ रही हैं, इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज थे जिनके स्टेट्स में ठीक नहीं थी या इररेलीवेंट थे, वो तो मैंने डिलीट कर दिए इसमें से। इफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, इधर थ्री आना था, एंड डेल्टा आई इज 300, व्हाट विल बी द कंजम्पशन। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसका 100 जवाब होगा। क्या हो है ये होगा ऐसे, ये फार्मूला है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू के चेंज इन सी। अब ये दिया हुआ है हमें 300, और ये इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, ये फाइंड आउट करना है। तो 300 और 3 की रेशियो लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास 100 आ जाएगा। चेंज इन कंजप्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 100 के इक्वल होगा। टोटल कॉस्ट दी गई है, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट, 0.25 इसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, सिंपल डेरिवेटिव लेना है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टर्म हैज रिग्रेशन। रिग्रेशन की डेफिनेशन दी गई है। लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इन पाकिस्तान, वैसे 3 लैंड रिफॉर्म्स हैं, पहली लियाकत अली खां की है, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, वो 1947 से 1949 उसका टेन्योर है। सेकेंड अयूब खान के दौर में हुई 1959, बट इसको फर्स्ट ही कंसिडर किया जाता है नॉर्मली, अगर आपके पास यही ऑप्शन दिया गया था तो 1959 में हमारी जो लैंड रिफॉर्म हुई, सेकेंड थर्ड या सेकेंड जिसे हम कहते हैं वो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुई 1972। तो लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान का जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो 1959 था। व्हेन रिसेशन लास्ट लॉन्गर इट्स बिकम, यानी कि जो रिसेशन की एक्सटेंसिव फॉर्म है वो क्या होगी, वो बिजनेस साइकिल होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ऑलवेज, तो ये मैंने जब आपसे टेस्ट लिए तो उसमें मैंने बाहर ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा, अब उसने क्या लिखा हुआ था, अब दो तरह के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं, एक ऑन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक क्रॉस होता है। क्रॉस में क्या होता है कि प्राइस किसी और कमोडिटी की होती है और क्वांटिटी किसी और कमोडिटी की होती है, उसके अंदर तो होता है ये पॉजिटिव। अब इसने ऑलवेज का वर्ड यूज किया है, तो इट मींस ये ऑन प्राइस ऑन सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। ऑलवेज यानी कि नॉर्मल है, गुड्स इंफीरियर है या सुपीरियर है। अगर ये क्रॉस की बात कर रहा होता तो ऑलवेज का वर्ड इसने यूज नहीं करना था। तो सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज नेगेटिव, तो ये जो मेरे डायग्राम्स हैं, जो मेरे लेक्चर्स हैं इस पर हिक्सियन और स्लिट्सकी डायग्राम्स के ऊपर, उधर मैंने ये प्रूव किया है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, वो नेगेटिव ही होता है। इफ एनपीवी इज जीरो, तो एनपीवी जो फर्म्स होती है, जब वो कैपिटल से एक्सपेक्टेड इनकम और कॉस्ट को देख रही होती है, तो उसकी कोशिश होती है कि ये पॉजिटिव हो प्रोजेक्ट्स की जो एक्सपेक्टेड इनकम है, ठीक है। अगर वो जीरो हो या नेगेटिव में चले जाए, नेगेटिव में, तो वो 100% रिजेक्ट होता है। तो जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में हमने इसको पढ़ा, या सिर्फ इन साहब के आपने लेक्चर्स को देखा होगा, उसमें उन्होंने बताया होगा कि जो एनपीवी इज इक्वल टू जीरो है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट होगा। इफ मैनेजर इज रिस्क अवर्स, देन ही विल
अब थ्री तरह के मैनेजर्स हमने पढ़े हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, रिस्क अवर्टर, रिस्क लवर और रिस्क न्यूट्रल। जो रिस्क अवर्स मैनेजर्स होते हैं वो क्या कर कोशिश करते हैं कि वहां इन्वेस्टमेंट की जाए जहां रिस्क क्या हो, कम से कम हो। वहां हमने देखा कि बेनिफिट्स और लॉस के चांस, बेनिफिट्स भी कम होते हैं लॉस भी कम होते हैं। तो अब इसमें क्या आएगा, इफ मैनेजर इज रिस्क अवर्स यानी कि वो रिस्क से बचने वाला है, तो वो क्या करेगा, ऐसा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा जहां पर रिस्क मिनिमम हो, या वो रिस्क को रिमूव करेगा देन उधर इन्वेस्ट करेगा। इफ ए वेरिएबल डेट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, ये मैंने आपको पढ़ाया सेकंड चैप्टर में स्टेटिस्टिक्स के जो कंटिन्यूज और डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। कंटिन्यूज वेरिएबल्स वो होते हैं जो के हर पॉइंट को छूकर गुजरते हैं। व्हेन यू एक्सक्लूड अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल को एक्सक्लूड कर दें। जब हम रेमेडियल मेजर पढ़ रहे होते थे डिफरेंट प्रॉब्लम्स की, तो वहां पर ये मिस स्पेसिफिकेशन मॉडल डिटेल के साथ डिस्कस होता था कि जब आप इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को ही निकाल देंगे इक्वेशन से तो वो मॉडल क्या हो जाएगा, मिस स्पेसिफाई हो जाएगा। नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, जिस तरह मेल एंड फीमेल, उसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डील, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट सिंपल क्वेश्चन है। इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट इज ड्यू टू, यानी कि अगर आप बॉन्ड्स को सेल कर रहे हैं पब्लिक्स में और सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं, इट मींस आपका जो पब्लिक डेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हमने थ्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ी, तो ये सेकंड डिग्री का पूछा हुआ है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती ही क्या है, कि हम एक सेम चीज को डिफरेंस प्राइसेस के ऊपर, डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल कर रहे हैं। अब इधर सेकंड डिग्री में हमने देखा कि हमने क्वांटिटीज के ब्लॉक्स बना लिए थे डिफरेंट, और उसको हम डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल कर रहे थे। फर्स्ट डिग्री में हर यूनिट्स को हम डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सेल कर रहे थे। इफ आर इज इक्वल टू 0.9 देन 1% चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल 90%। तो ये कुछ इसमें गड़बड़ है, ये जो एमसीक्यू ये जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, आर स्क्वायर इफ आर इज इक्वल टू 0.9 1% चेंज, इसको देखना पड़ेगा, इसको भी आप रहने दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। मनी, इफ परफेक्ट परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फर्म आर प्राइस टेकर, सिंपल क्वेश्चन। इन मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिशन नंबर ऑफ फर्म्स, ये होती है फेयरली लार्ज, जो लार्ज होती हैं वो होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फेयरली लार्ज होती हैं, जिसका सब्स्टिट्यूट हम कह सकते हैं मैनी फर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरी नजर में मैनी होगा। व्हाट प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय फ्री राइडर द कंज्यूम विदाउट पेइंग, द चेंज इन प्राइस इज 5% एंड क्वांटिटी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, तो इट मींस ये इलास्टिक है। एल एम रिलेटेड टू विच पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी इज, जब जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी हमारे पास तब होती है जब हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो, सेविंग हमारी क्या हो, ना हो। डमी वेरिएबल ट्रैप, ये भी मेरे लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि जब डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है, कि जो दो हमने डमीज ली वो 100% एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगी, लीनियरली कोरिलेटेड हो जाएंगी, और हम कोई सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो जो डमी वेरिएबल्स जो ट्रैप है उसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो किस चीज का होता है, वो मल्टीकोलिनियरिटी का होता है। ड्राइंग कंक्लूजन ऑफ सैंपल, अब ये एमसीक्यूज भी मुझे गलत लग रहा है ड्राइंग, क्योंकि जो मैंने देखा डिफरेंट उधर फेसबुक पेजेस के ऊपर, तो वो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई थी, बट ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम सैंपल, सैंपल से जो हम रिजल्ट्स निकालते हैं तो उसको स्टेटिस्टिक बोलते हैं। और अब ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, अगर यही स्टेटमेंट है कि अगर सैंपल यही एमसीक्यूज था कि अगर हम सैंपल से रिजल्ट्स कंक्लूड कर रहे हैं तो वो स्टेटिस्टिक कहलाती है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये ऊपर हो चुका है, दोबारा आ गया। मनी सप्लाई इंक्रीज बट प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर प्राइस कॉन्स्टेंट रहे तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होती है। ये कुछ वो एमसीक्यूज हैं, ये मेरे एक डिफरेंट स्टूडेंट ने भेजे, ये वो एमसीक्यूज होंगे जो ऊपर डिस्कस नहीं हुए, या कुछ ओवरलैप भी कर जाएंगे। जो ओवरलैप होंगे उनको हम अच्छे तरीके, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं,
जो न्यू एमसीक्यूज आएंगे सिर्फ उन्हीं को देखते चले जाएंगे। कार्टल आर फॉर्म इन विच टाइप ऑफ मार्केट, ऑलिगोपली, क्लूसिव ऑलिगोपली में होती है कार्टल। फर्म ऑलवेज हैव इक्विलिब्रियम एट जिधर, ये भी ऊपर डिस्कस हो चुका है, जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज। हु विल बेयर द बर्डन इफ कंज्यूमर इज लेस इफेक्टेड बाय द प्राइसेस देन द प्रोड्यूसर। हाँ जी, तो इसमें आपका जो भी ये एक थम रूल में हमने, यासिर करीम साहब ने भी आपको बताया, मैंने भी बताया, कि जो जिसकी इलास्टिसिटी लेस होगी वो ज्यादा टैक्स को बेयर करेगा। देखें जी, ये मैं डिमांड बना रहा हूँ, ये लेस इलास्टिक है और ये सप्लाई कर्व है, ये मोर इलास्टिक है। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, हुआ क्या कि टैक्स लगा दिया गया, ये टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर दिया बैकवर्ड। अब ये टैक्स लगा है, ये डब्ल्यू ए, और प्राइसेस किधर है, प्राइसेस ये जो रेड और ये पिंक के दरमियान जो टैक्स है ये प्रोड्यूसर बेयर कर रहा है, और ये जो मैंने ग्रीन किया है ये सारे का सारा कंज्यूमर। तो लेस इलास्टिक होने की वजह से, अगर देखें ये कंप्लीटली लेस इलास्टिक होता और ये सप्लाई कर्व है, ये प्राइसेस है, ये टैक्स लगा दिया गया, ये सारे का सारा किसने बेयर किया, कंज्यूमर ने। तो जितना डिमांड कर्व हमारा लेस इलास्टिक होता चला जाएगा, उतना ज्यादा टैक्स कंज्यूमर साइड के ऊपर जाता जाएगा। Who will bear tax हो गया है, 5 भी हो चुका है, 6 Who benefits the most from WTO trade agreements? Developed economy ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा produce कर रहे होते हैं, उनकी cost cheap होती है, तो जो trade agreement होते हैं वो tariff free, quota free होते हैं। Slope of LM curve is case of complete crowding out, vertical होगा, ये भी हो चुका है। When firm is facing perfect competition, price is determined where? अच्छा, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो जो हमारी प्राइसेस होती है वहां पर, वहां जहां पर प्राइसेस डिटरमाइंड होती हैं वहां पर हमारा एआर और एमआर इक्वल होता है, जबकि दूसरे जो हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर हैं जहां पर प्राइसेस डिटरमाइंड होती हैं वहां पर एमआर कम होता है और एआर ज्यादा होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक वाहिद मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर प्राइस डिटरमेंट होती है वहां पर ए आर और एम आर इक्वल होते हैं। इन्फ्लेशन कॉज बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, सिंपल है। 10 एमसीक्यूज भी डिस्कस हो चुका है, 11 भी हो चुका है, 12 भी हो चुका है। इन डमी वेरिएबल्स द एब्सेंस ऑफ एन इवेंट इज इंडिकेटेड बाय, सपोज दैट 2 हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, तो प्रेजेंस के लिए हम 1 यूज कर रहे होते हैं, एबसेंस के लिए 0, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 0, यानी कि ऑपोजिट्स के लिए 0 हो जाएगा और जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसके लिए 1 हो जाएगा। व्हेन रिसेशन इज लास्ट लॉन्गर इट्स बिकम, ये भी हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज, ये भी मैं बता चुका हूँ। एनपीवी भी हो चुका है। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज आर मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज हम इन्हें कहते हैं। इफ मैनेजर्स, ये भी हो चुका है। प्रीडेटरी प्राइसेस इज रिड्यूसिंग प्राइस, यानी कि प्रीडेटरी प्राइसिंग में या प्रीडेटरी डंपिंग में ही होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो दूसरी फर्म्स को आउट करने के लिए प्राइस को इतना कम कर देता है कि दूसरे की जो एवरेज कॉस्ट है वो भी पूरी ना हो रही हो। इफ वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल, हो चुका है। मिस स्पेसिफिकेशन भी हो चुका है। डमी वेरिएबल ट्रैप भी हो चुका है। इन ए स्कैटर प्लॉट ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द लाइन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, यानी कि आपने एक स्कैटर डायग्राम प्लॉट की है और जो जो स्कैटर डायग्राम्स के जो डॉट हैं वो लाइंस के ऊपर आ रहे हैं, तो वो कहता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू प्लस भी माइनस, प्लस 1 या माइनस 1 होगी। अब क्योंकि उसने स्लोप नहीं बताया, अगर वो बता देता कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव तो फिर तो हमें पता चल जाता,
अब यहाँ जो इसका ऑप्शन आना था वो ये आना था -1 और +1 के दरमियान आना था। ए पर्सन लाइक्स कॉफी, ही गेन्स मार्जिन रिलेटिव फ्रॉम फर्स्ट कप ए कॉफी इज इक्वल टू ए, यानी कि कोई कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। एक पर्सन कॉफी पी रहा है और जो उसकी कॉफी है उसकी जो वो उससे मार्जिन रिलेटिव ले रहा है फर्स्ट यूनिट से, तो वो कहता है कि ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, 2 है 3 एंड 4। मार्जिन रिलेटिव फ्रॉम 10th कप ऑफ कॉफी इज 0, जब वो 10th कप लेता है मार्जिन, इसकी जो मार्जिन रिलेटिव है वो कितनी हो जाती है, 10 हो जाए, वो 0 हो जाती है। हाउ मैनी कप कप ऑफ कॉफी विल पर्सन कंज्यूम, उसको कितने कंज्यूम करने चाहिए। जाहिर सी बात है जब वो 10वां यूनिट ले रहा है तो उस वक्त उसकी जो कॉफी है उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0 है। तो इधर इसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसको मस्ट जो कंज्यूम करना चाहिए वो 10 यूनिट्स का कंज्यूम करने चाहिए। तो इसका जो 10 ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। 25 भी डिस्कस हो चुका है। हाँ जी, 26 में दी हुई है मॉनिटरी बेस की डेफिनेशन दी गई है। मॉनिटरी बेस क्या होता है, जो करेंसी होती है जो प्लस हमारे रिजर्व होते हैं उसको हम मॉनिटरी बेस कह रहे होते हैं। डिमांड डिपॉजिट करेंसी कॉइन्स एंड मनी इन सर्कुलेशन, टोटल मनी विद बैंक इज कॉल्ड, यानी कि डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहा है, मनी बैंक्स। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, मॉनिटरी बेस कहलाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑब्जर्वेशन सम ऑफ स्क्वायर, ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। आई प्लस जी ये इंजेक्शन हैं, अब ये क्लियर नहीं है ये क्या है, 28। वैसे ये इंजेक्शन होते हैं आई प्लस जी, हो सकता है कि जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको रिमूव करने के लिए ये एमसीक्यूज आया हो। आर इज इक्वल टू 0.9 विद 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज। हाँ जी, ये ऊपर एमसीक्यूज आ चुका है, तो उधर ये मैंने बताया आपको आर इज इक्वल टू 0.9 विद 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आर जब आर की वैल्यूज दी गई है तो इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि तो कोरिलेशन होता है। तो इस एमसीक्यूज को दोबारा देखना पड़ेगा, आप इसको देखें कि ये असल में एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या थी, तो फिर मुझे भेजें, फिर इसको हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी हो चुका है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर फर्म इज प्राइस टेकर। ठीक है जी, परफेक्ट कंपटीशन हो गया। हाउ मैनी प्रोड्यूसर डज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, फ्यू नहीं होती जी, इसमें मैनी होती हैं, या फेयरली लार्ज का वर्ड आएगा तो ये फ्यू गलत लिखा हुआ है। फ्री राइडर इज, फ्री राइडर क्या होता है, गेटिंग बेनिफिट विदाउट स्पेंडिंग मनी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज पॉजिटिव, इट मींस फंक्शन इज, अब ये एमसीक्यूज में कंफ्यूजन है, जो मैंने फेसबुक पर देखा है तो वो किसी और तरह का था। तो अगर जो ये एमसीक्यूज लिखा हुआ है वो कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव, इट मींस द फंक्शन इज। अब इसने जो बात की हुई है वो ये की हुई है कि वो कहता है कि कोई फंक्शन दिया गया है, लेट ये मेरे पास फंक्शन दिया गया है, अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, dy ओवर dx बना, या dy ओवर dx फंक्शन दिया हुआ था फर्स्ट में 2x, ठीक हो गया, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब ओरिजिनल फंक्शन ये है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो जैसे जैसे इसकी मैं वैल्यूज 1 पुट करूंगा तो यहाँ 1 आएगी, 2 पुट करूंगा 2, यानी कि इस तरह का ग्राफ बनाऊंगा तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसका थोड़ा ये फ्लैटर बन जाएगा, ठीक हो गया। तो जो ये एमसीक्यूज दिया गया है जो मुझे शेयर हुआ है इसके मुताबिक तो जो करेक्ट आंसर है वो यही है जो कि इसने लिखा हुआ, बट मुझे शक पड़ता है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, किसी और तरीके से था। रैंडम वॉक इज कंजप्शन का हमने एक मॉडल पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि जो रैंडम वॉक, उसमें हम जो फ्यूचर की जो इनकम है और जो कंजम्पशन है उसको 100% एक्यूरेट मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो कहता है कि रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिनके चेंज होने का कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे कि रिग्रेशन के अंदर है। अब इसके ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया, ये भी हो चुका है, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि प्राइसेस डिक्रीज होना, मैक्रो ये भी हो चुका है, 40 भी हो चुका है, ड्राइव टू मैच्योरिटी भी हो चुका है, इंक्रीजिंग ये भी हो चुका है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर प्राइवेट बैंक इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन्स,
सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो चुका है अयूब खान, ये जीके की मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उसमें सारा जीके दिया गया हुआ। लैंड रिफॉर्म भी हो चुका है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी। तो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, तो मेरे मुताबिक तो इधर आना चाहिए था जियोमेट्रिक मीन। जो बेस्ट मेथड होता है न्यूमेरिकल डाटा को मेजर करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का, वो जियोमेट्रिक मीन होता है। अब इसके ऑप्शंस पता नहीं क्या क्या दिए हुए थे, मुझे तो नहीं पता, तो अगर कोई ऑप्शंस आपके जहन में है तो वो मुझसे शेयर करें। कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो मैंने इसमें से डिलीट किए हैं, वो इस वजह से डिलीट किए हैं कि उन एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ठीक नहीं थी या उनके ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास, या वो एमसीक्यूज मेरे लिए ही नहीं थे, मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा। तो अगर आप इस वीडियो को सुने, अगर कोई सजेशन देना चाहें या कुछ एमसीक्यूज आपके पास हैं तो वो मुझे भेजें, तो फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।